पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लगातार नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव रिव्यू से क्रिटिसाइज होकर आदि पुरुष फ्लॉप होते नजर आ रही। जहां दोस्तों आज पूरे 8 दिन कंप्लीट करके 9वें दिन में एंट्री मान ली है फिल्म ने। इंडिया की एक भारी भरकम बजट में बनने वाली फिल्म आदि पुरुष ने आज 9वें दिन में एंट्री मान ली है और बॉक्स ऑफिस के मामले में रोज स्लो डाउन होते नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, मूवी ने अपना पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट तो कर लिया है, जिसमें से पहले 3 दिन काफी अच्छी ग्रोथ करी थी और जैसे तैसे एक मोटी कमाई करने में सफल हो पाई थी। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, मूवी अपना बजट 650 करोड़ कवर कर पाएगी या नहीं, पहले दिन कितना कमाया, मूवी हिट है या फ्लॉप, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिलने हैं, सब जानेंगे उसको इसी देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आदिपुर से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और प्रभास के डायहार्ड फैन हैं तब। लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लीड में बनने वाली आदि पुरुष, जिसको ओम रावत ने डायरेक्शन दिया है और लगभग 650 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली इस फिल्म ने अपना फर्स्ट वीक आज कंप्लीट कर लिया है और 9वें दिन में एंट्री मान लिया है। दोस्तों अपने पहले 3 दिन तक बहुत मोटी कमाई करी थी मूवी ने, पर अपने पहले दिन से ही निगेटिव रिव्यू निगेटिव रिएक्शन के साथ मूवी हर दिन स्लो डाउन आंकड़ा करते नजर आई है। जी दोस्तों, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के नाम पर इस फिल्म ने पहले 3 दिन खूब मोटी कमाई बटोरी थी और रामायण जैसे प्योर सब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके खूब रोटियां भी सेंकी थी। दोस्तों मूवी का कंटेंट रामायण से प्रेरित होकर कुछ एक चेंजेस करके सजाया गया है, जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि रामायण के साथ लोगों की सीधी सच्ची श्रद्धा जुड़ी होती है। प्रभु श्री राम के नाम सच्चाई व अच्छाई का प्रतीक शो करते हैं और उनका नाम उनकी जीवनी के साथ छेड़छाड़ करना यह जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी। इसलिए मूवी ने वो इज्जत वो नाम ना कमा पाई जो जैसा इसे कमानी थी। देखो दो नाम ही काफ़ी थे इस फिल्म को 1500 करोड़ से ऊपर आसानी से पहुँचाने के लिए, रामायण और प्रभास। लेकिन ओम रावत ने जबरदस्ती कुछ चेंजेस करके वीएफएक्स के नाम पर रद्दी एनिमेशन दिखाकर डायलॉगबाजी में घटिया घटिया डायलॉग पेश कर मूवी को पूरा मजाक खिरकिरा कर दिया है और एक मजाक सा उड़ा दिया, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट लोगों की फीलिंग से सीधा कनेक्ट करता है और बिजनेस भी भरपूर देता है। जी दोस्तों, बात अगर कास्ट की करें तो प्रभास एज राघव श्रीराम, कृति सनन एज जानकी सीता माँ, सनी सिंह एज लक्ष्मण, देवदत्त नागे एज हनुमान और मेन विलेन लंकेश के रूप में आपको सैफ अली खान को दिखाया जाएगा। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों ओपनिंग क्या सॉलिड तरीके करते नजर आई थी मूवी। इसी के साथ इस साल की जाइंट मूवी पठान के ओपनिंग डे के कलेक्शन को भी खदेड़ दिया था। हालांकि मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे पहले दिन से ही और सबसे ज्यादा नेगेटिव रिव्यू ही मिले थे। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, ये बॉलीवुड की न्यू रामायण है जिसमें मेकर्स ने अपने मन से काफी चेंजेस करके रामायण का मजाक तो बिल्कुल उड़ाया है। यहाँ दोस्तों अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया से टोटल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 103 करोड़ के आसपास करके और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज को मिलाकर लगभग 140 करोड़ से ऊपर हो गया था अपने पहले दिन में। इसी के साथ दूसरे दिन भी सिर्फ 100 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आई थी और 100 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आई थी। लेकिन क्रिटिक्स और नेगेटिव रिव्यू लगातार मिलते जा रहे हैं। इसी के साथ चौथे दिन ह्यूज डाउनफॉल के साथ पूरी दुनिया से मात्र 35 करोड़ की कमाई करी थी। दोस्तों अचानक इतने बड़े डाउनफॉल ने सिनेमाघर में एकदम से खलबली मचा दी। इसी के साथ पांचवें दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी दुनिया से लगभग 23 करोड़ के आसपास ही रहा था, जो कि पहले 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म मेकर्स द्वारा रिलीज कराया गया था मात्र 390 करोड़ के आसपास। दोस्तों इतने खराब रिव्यू मिलने के बाद भी मूवी 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई अपने पहले 4 दिन में ही। सोचो अगर मूवी को अच्छे रिव्यू मिलते तो क्या आग लगा देती, मतलब 2000 करोड़ इसके कहीं नहीं थे। वहीं दोस्तों अपने 6 दिन भी मात्र 14 करोड़ की कमाई कर पाई थी मूवी। 7वें दिन भी लगभग 11 करोड़ की ही कमाई अपने खाते में रख पाई। इसी के साथ कल यानी अपने 8वें दिन में भी कोई अच्छी कमाई नजर नहीं आई थी फिल्म। जी दोस्तों, रोज डे बाय डे बिग डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ कल पूरी दुनिया से मात्र 7.5 करोड़ की ही कमाई कर पाई थी मूवी, जो कि बहुत बेकार हालत शो करता है फिल्म की। और बात करें आज यानी अपने 9वें दिन में कैसी ग्रोथ है दोस्तों, तो आज को सैटरडे का एडवांटेज लेकर एडवांस में कुछ नंबर बढ़ते हुए दिखे तो हैं और आज दुनिया से हिंदी, साउथ और ओवरसीज को मिलाकर लगभग 9 करोड़ तक की कमाई करते नजर आ रही है फिल्म अपने एंड ऑफ द डे तक, जिसमें से हिंदी कलेक्शन ही मात्र 350 करोड़ का है। इसी के साथ एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 439 करोड़ के आसपास हो जाएगा और साथ ही प्रभास अपनी खुद की फिल्म साहो का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, जो कि 435 करोड़। इसी के साथ चेन्नई एक्सप्रेस और किक जैसी बड़ी फिल्मों को भी खदेड़ देगी और उम्मीद है जल्द ही 500 करोड़ के कलम में शामिल भी हो जाएगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी बिल्कुल फ्लॉप है या अभी भी हिट हो सकती है, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी मूवी को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको फिल्म कैसी लगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।